छह जजेस के खत का मामला है। कल इस पे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैसल की सदारत में फुल कोर्ट इजलास हुआ था और कोई ऐलामिया जारी नहीं हुआ। आज वजीर आजम की मुलाकात हुई है, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा के वक्त तक मुलाकात हुई है, और वजीर आजम के साथ वजीरे कानून आजम नजीर तारड़ और अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान मौजूद थे, जबकि चीफ जस्टिस काजी फैसा के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार हैं वो मौजूद थी। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात थी, और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग हुई है। वजीर कानून ने प्रेस ब्रीफिंग की अटर्नी जनरल के हमरा और कहा कि एक कमीशन बनाया जाएगा जो कि जिस जो वन मैन कमीशन होगा और रिटायर्ड जज जो है तो उसकी सरबराही करेंगे। लेकिन सबसे जो अहम बात आज वजीर कानून ने की वो ये कि चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वजीर आजम से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। ये कहना था वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का। ये एक बहुत बड़ी बात है, इससे ये तासुर गया है कि शायद चीफ जस्टिस काजी फैसल जो जिस तरह के इल्जामात लगे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज पे और इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस पे, उसके सामने चीफ जस्टिस काजी फैसल सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन अदलिया से जो रद्दअमल है वो आना बहुत ज़रूरी है। चाहिए तो ये था कि वजीर आजम से मुलाकात से पहले ही ये रद्दअमल कल आ जाता ऐलामिए की सूरत में, लेकिन आज भी वजीर आजम से मुलाकात के बाद भी कहा यह जा रहा है कि फुल कोर्ट इजलास हुआ है और इम्कान है कि आज ऐलामिया जारी किया जाएगा। अब देखना यह है कि ऐलामिया में क्या कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के बहसियत एक इदारे की तरफ से क्या रद्द अमल आता है, क्योंकि जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के वो क्या सोच रहे हैं इस मामले में, ये देखना भी बहुत अहम है। क्योंकि हमने देखा कि जब काजी फैसल चीफ जस्टिस नहीं बने थे और ये तस्वुर किया जाता था कुछ जजेस उनके हम ख्याल हैं, वो अब वो सिचुएशन नहीं रही। अब जो जजेस हैं वो भी जो है तो कुछ अपसेट नजर आते हैं चीफ जस्टिस काजी फैसल के कुछ फैसलों से। तो देखते हैं अब क्या रद्द अमल आता है। जहां तक बात है इंक्वायरी कमीशन की, तो इंक्वायरी कमीशन के पास इख्तियारात तो बहुत हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में क्या क्या शामिल है, क्या ये बात शामिल है कि नहीं कि जो जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने इल्जाम लगाए थे वो भी उसकी तहकीकात भी ये कमीशन करेगा कि नहीं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर तो माजी की गलतियों का अजाला करनी है तो फिर ये सिलसिला तो वहां से शुरू होता है, और उसका जो है तो वो अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में शामिल नहीं है तो फिर ये कमीशन एक टूथलेस किस्म का कमीशन होगा और इसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर हमने ये भी देखना है कि क्या जो हाजिर सर्विस जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये रिटायर्ड जजेस के साथ रिटायर्ड जज के सामने कमीशन में पेश होंगे कि नहीं, और फिर ये भी देखना है कि क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में ऐसी कोई शिक है कि अगर तो इल्जामात साबित ना हुए जो जजेस ने लगाए हैं तो फिर सिफारशात कमीशन क्या देगा वफाकी हुकूमत को, और वफाकी हुकूमत सदर के जरिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रजू करेगी या नहीं करेगी इन जजेस के खिलाफ। लेकिन इस सारे मामले में ना दो चीजें जो है वो इग्नोर हो रही हैं। एक तो अदलिया की जो साख है वो जो रही सही साख है वो उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, और दूसरा जो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है तो मुरतब करती है उसमें तरमीम का मामला नजरअंदाज हो रहा है कि इस तरह की सूरत हाल होती है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटरफेरेंस करती हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग में मैनिपुलेशन में, तो जजेस कैसे रिएक्ट करें। तो ये चीज भी अभी तक हमें ऐसा ही लगता है कि इग्नोर हो रही है।